राम राम भाई, सारे भाइया ने, छोटे बड़े जितने भी भाई हैं अभी सभी को मेरे। राम राम भाई अंकित, क्या हाल है? राम राम भाई अनिल, ठीक ठाक हैं सारे? भाई अंकित बालोटिया, एक बार जीते भाई दौर करिए, मैसेज वो मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे अभी। भाई अभी सभी भाई भाई एक टाइम नहीं लगता सभी का, हो सकता है कोई अपने काम वाम में बिजी हो, कहीं जुड़ेंगे धीरे धीरे सारे भाई। भाई रोहित बहुत बढ़िया, अपनी बताओ क्या हाल है? राम राम भाई अंकित कुमार। राम राम भाई गोविंद, ठीक ठाक है? तो जीते भाई ने करी है शुरुआत ये अपने पेज से, जिससे कि अपने सभी जो भी प्लेयर्स हैं जैसे लाइव आके एक दूसरे से बातचीत कर सकें। और हालांकि मेरा तो कहना ये था कि अपने जो पुराने सीनियर प्लेयर हैं सोनीपत की,
विक्की भाई हैं, रवि बहादुरगढ़ हैं, अंकित पथरेड़ी है, नेटा भाई चिराग दिल्ली है, बॉबी भाई है, और अपने जो सीनियर प्लेयर हैं उनसे किसी से शुरुआत करनी चाहिए थी, पर भाई ने फिर यही कहा कि भाई चलो अब तो डाल दिया है इसमें, तो इसलिए फिर आज स्टार्ट कर रहा है ये। और अपनी जो विपिन भाई साहब ने फेड बनाई है अभी डायरेक्ट वॉलीबॉल की, कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने ये जो गेम है इसको एक लेवल दिया जाए, इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक, जहाँ तक बहुत अच्छा प्रयास है भाई साहब सभी भाई। बच रहे हैं अभी तक तो कोरोना से, आप बताओ सब कैसे हो? और भाई अपने एक चीज़ और थी कि अपने जो रेवाड़ी साइड से जो अपने बढ़िया बढ़िया और सीनियर और अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे अपना बोलू निमोट है और भाई मनोज है गेंदोखर से, मनोज भाई, और काफ़ी कई प्लेयर हैं, पटौदी से अपना विकास भाई है, टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा कराते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे इंसान हैं, ऐसे मतलब एरिया वाइज सभी टीम्स वाइज जो भी सीनियर और अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उन सबको भी ऑनलाइन लेके आने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, जीते भाई और बाकी अपने ये सभी सीनियर भाई जो हैं। को किसी टीम के या प्लेयर पाएंगे इस के भाई अंकित खेलते हुए तो भाई 12 साल से ऊपर ही हो गए शायद, हाँ, पर ये है टूर्नामेंट में जो अपनी अब जो नजोड़ वाली टीम है प्लेयर्स, तो आपको ही पता है भाई ग्राउंड भी प्लेयर चेंज होते रहते हैं, कोई नहीं आ पाता कभी कभी। वैसे टूर्नामेंट शायद हमने 6 सही है जीते भाई, खाली बैठे हो तो चलो कोई बात नहीं, बस फिलहाल तो इस महामारी से बच के रहना। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आई बीच में अभी, तो वीडियो थोड़ी सी अटक भी हो गई, देखा होगा अभी। आशु भाई पंकज का गेम बहुत बढ़िया गेम हो रहा है, और ये तो है भाई जो इंसान इसी चीज़ में मेहनत करता है कुछ ना कुछ फल तो मतलब कुछ ना कुछ मन लगा के खेलता है लड़का, अच्छा लड़का है, सारे भाई बढ़िया मेहनत करके हैं भाई। ये है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंडर भाई अभी गेम चल नहीं पा रहा। बिल्कुल जीते भाई, अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अपनी जो बढ़िया बढ़िया टीम है, हो सके तो कोई नई टीम भी जो टूर्नामेंट्स में भी आने लगी है उनसे भी किसी ना किसी प्लेयर को लाइव में जाए।
अंकित और मंचल नहीं, शायद अभी तक कभी नहीं खेले हैं। हाँ पंकु भाई सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। नहीं भाई, अमित दोनों, मंचल और अंकित दोनों एक साथ एक टीम में अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं खेले हैं कभी। भाई आशु, सारे ही भाई बढ़िया हैं, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, सब बढ़िया हैं अपनी जगह भाई। और ये तो ये है कि भाई सामने वाला देखने वाले के ऊपर है कौन किसको कैसे किस नज़रिए से देखता है, देखने वाले पे बात होती है भाई। राम राम भाई नितिन, क्या हाल चाल है? भाई अमित देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो सकता है कि कभी आपकी ये इच्छा भी पूरी हो। ये तो अपना अंकित भाई और मंचल भाई पे डिपेंड है, दोनों जब साथ खेलना चाहेंगे तो किसी दिन हो सकता है कि ज़रूर साथ में एक टीम में खेलें। जीता भाई नोनू मेरे ख्याल से 3 या 4 साल टूर्नामेंट में गोलू भाई ने जो कर स्टार्ट करा था नोनू ने खेलना, मेहनत करता है लड़का, लगा के खेलता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर नेटर चल रहा है तो पूरी टीम चलती है। छोटी उम्र है, पूरी मेहनत से मन लगा के खेलता है नोनू, हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी है वो। हाँ पंकु भाई थैंक यू भाई, अमित बस कर रहे हैं कोशिश खेलने की, धीरे धीरे अपना कोशिश करते हैं कि बढ़िया ही खेला जाए। बाकी मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, नीरज भाई है, चकदेव भाई, वो तो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं हमसे साइड में खेलने के मुकाबले में, धीरे धीरे बड़े भाइयों को देख के। बहुत बढ़िया नितिन भाई, आप बताओ कैसे हो? अब ठीक है भाई, भाई नोनू के अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम हुए हैं अमित, शायद 13-14 साल की उम्र है अभी उसकी। अभी बीच में एग्ज़ाम्स चल रहे थे जो टूर्नामेंट में, कुछ एक दो टूर्नामेंट में वो हमारे साथ गया भी नहीं, इसी कारण से लेके भी नहीं गए, क्योंकि भाई पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, गेम तो चलता ही रहता है। भाई अंकित चिराग दिल्ली टीम को देखते हुए मेरे ख्याल से हो गए 7-8 साल तो आराम से हो गए। सबसे पहले एक अपना विजय भाई खेला करते थे साउदे की टीम में साइड, जहाँ चकदे भाई खेलते थे बाद में, उनके गांव में टूर्नामेंट कराया था उन्होंने, तब चिराग दिल्ली टीम को मैंने देखा था पहली बार। भाई तरुण बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? हाँ भाई पंकु वही 14 साल के आसपास उम्र है अभी नोनू की।
जीते भाई, विपिन भाई और अपने जो भी मतलब सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है हाल फिलहाल, क्योंकि एक तो लॉकडाउन के कारण कोई टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया जरिया है भाई प्लेयर्स का आपस में मिलने का, कोई बातचीत हो आपस में करने की, किसी के बारे में कुछ पूछना है या गेम के बारे में कुछ, किसी का कोई विचार विमर्श हो उससे रिलेटेड, बहुत बढ़िया शुरुआत है ये। हाँ बिल्कुल भाई नितिन यादव, वायरस से बचना है सभी भाइयों को। भाई नोनू तुम्हारे ही अपने जो घर के बिल्कुल बैक साइड में जो ग्राउंड है उसी में खेलना स्टार्ट करा नोनू ने, काफ़ी पैशनेट है लड़का गेम के बारे में, 6 बजे सुबह उठते ही अपना बॉल लेके ग्राउंड में और दो तीन और उसके जो भी साथी हैं उनके साथ प्रैक्टिस करता था, उसके बाद स्कूल जाता है। जीते भाई अंडर हैंड ही ठीक लगा मेरे को तो, क्योंकि अब अपर हैंड में तो यही है कि जिसके पास स्कोरर है अच्छा, फिर जो हाइट वाले स्कोरर हैं भाई जैसे अपना बाबा है, राजेश भाई हैं करनाल से, अंडर हैंड में ये है कि सभी टीम में एक जैसी बराबर सी हैं, जो अपने भाई ज़्यादा गेम चलाता है मेहनत से खेलता है वो जीत जाता है। भाई अनिल बेस्ट तो नहीं कह सकते फिलहाल, तो भाई मंचल का गेम है सब, बाकी हम तो ये भाई साइड हैं, साइड से सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी मेन तो प्लेयर फिलहाल मंचल ही है अपना, और अपनी जगह भाई सारे ही बेस्ट हैं, सब बेस्ट खेलते हैं अपनी जगह तभी जीत मिलती है। भाई उमेश कुमार शायद अभी, गोलू भाई ने जो टूर्नामेंट 3 या 4 साल हो गए शायद, 3 4 साल पहले गोलू भाई ने टूर्नामेंट कराया था, टूर्नामेंट्स में खेलने रेगुलर बेसिस पे, उससे पहले आसपास के कोई टूर्नामेंट होते थे वो ही खेलता था, और उस टाइम से फिर नजबुड़ी टीम में ही खेलता है, कहीं अब बीच में हमारी टीम नहीं जा रही है, किसी और टीम में मंचल खेला है। बाकी वैसे मंचल को भाई मेरे हिसाब से 4 साल हो गए नजरगुड़ी टीम में खेलते हुए। भाई रोहित पलसवाल कर रहे हैं कोशिश धीरे धीरे खेलने की, टीम तो और भी हैं अच्छी अच्छी अपने एरिया में, बस ये है भाई काम की नौकरी वजह से कुछ भाई बाहर जा नहीं पाते टीम लेके, ना तो और भी अच्छी अच्छी टीम है अपने एरिया में। भाई विक्की पंजाब में एक तो नेट की हाइट कम है, फिर प्लेयर भी खेलते हैं फास्ट गेम चलता है काफ़ी नेट नीचा होने के कारण, कुल मिला के मतलब गेम में मज़ा आता है वहाँ पे भी, और अच्छी मैनेजमेंट रहती है सारे मतलब बंदोबस्त जो भी हैं गेम के पंजाब साइड में अच्छे हैं। भाई प्रदीप के साथ जाने लगा था पहले तो नोनू, फिर भाई धीरे धीरे अपनी टीम में साथ खेला है, प्रैक्टिस भी रही है, धीरे धीरे जाने लगा तो अब तो है ही साथ में। हाँ बिल्कुल राजू ने सीखा गेम में, जो अपने प्लेयर थे गेम को ग्राउंड को प्लेयर्स को आपस में जोड़ के रखा काफी लंबे टाइम तक। और राजू भाई अच्छा प्लेयर है अपने टाइम में, अच्छा प्लेयर रहा है इसमें कोई दो राय नहीं।
भाई प्रेम, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया भाई। अनिल कुमार, आप बताओ कैसे हो? भाई अंकित नजफगढ़ के अलावा कुछ एक एक दो दो टूर्नामेंट बहादुरगढ़ में भी खेले हैं। बाकी सबसे पहले जब हमारी टीम बाहर नहीं जा करती थी तो जयदीप भाई के साथ ड्रॉप के टूर्नामेंट होते थे, उनमें पार्टिसिपेट करते थे। फिर अभी कुछ टाइम पहले आपको पता ही है, मतलब जैसे इंद्री टीम में भी 8-9 टूर्नामेंट खेले हैं मैं और मंचल। ना भाई आकाश, ऐसा कुछ नहीं। सही है प्रेम भाई, कोरोना से बच के रहो, सेफ्टी रखो अपनी सब। हाँ आशु भाई, भाई उभरता स्टार तो एक तो अपना भाई आशु भाई है, जो अभी नेट से पीछे आया है गेम में, धीरे धीरे बढ़िया गेम दिखा रहा है भाई। पंकज है और भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बस ये है कि भाई बाहर जाने का टाइम और मौका नहीं लगता सभी को। भाई रमन कुमार दिल्ली में अपनी भाई चकदे भाई की टीम बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है हाल फिलहाल, जो अपना चिराग दिल्ली के नाम से ही अभी खेली है कई टूर्नामेंट, और मतलब हर टूर्नामेंट में उन्होंने पहले से बेटर परफॉर्म किया है। लगातार 4 टूर्नामेंट वो खेले और चौथे ही टूर्नामेंट में उन्होंने जो है सुंडाणा गाँव में, जो वाधा रोहतक के पास, उसमें उन्होंने फर्स्ट पोजिशन अपनी गेन की थी। राम राम भाई सिद्धार्थ, क्या हाल है? उमेश भाई, इंद्री टीम के साथ हमारे मैच हुए हैं, काफ़ी मैच हुए हैं। स्टार्टिंग में तो भाई हम ही हारे हैं, आई थिंक शायद 2 या 3 बार हम हारे हैं। उसके बाद फिर अभी लॉकडाउन से पहले कुछ टूर्नामेंट हुए थे लगातार, उनमें हम जीते हैं 2 या 3 बारी। ठीक कह रहा भाई पंकु। विक्की भाई साहब, राम राम, क्या हाल चाल है? प्रेम भाई, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी आप कमी कह लो, गेम आगे नहीं जा रहा है, रूल हैं उसमें, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स में चेंजमेंट मिलती है। जब तक रूल रेगुलेशन और फॉर्मेट एक नहीं होगा तब तक तो थोड़ा सा मुश्किल ही है। कोशिश कर रहे हैं वैसे अपने बड़े भाई, सब बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं जो, वो सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि भाई अपने जो रूल रेगुलेशन हैं वो सभी लोग सेम रखें। और भाई नए प्लेयर्स तो मेहनत करो भाई, अच्छे तरीके से मन लगा के खेलो,
जीते भाई, आप लोगों से ही सीखा है, जहाँ भी टूर्नामेंट हुए हैं आप लोग हमेशा टाइम पे पहुँचे हो। जो भी टाइम मैनेजमेंट ने आपको दिया, उस टाइम पे सबसे पहले आप पहुँचे हो। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने मखा भाई, जब हमारे बड़े भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई टाइम से जाना चाहिए। और फिर ये है कि टाइम से अगर टीम पहुँचे सारी, तो उसमें ये टूर्नामेंट जल्दी स्टार्ट हो और ज़्यादा लंबा ना खींच के जल्दी ख़त्म हो, उसमें ना थकान बने। जो दूर से टीम आ रही है उनको भी बेनिफिट रहे थोड़ा, कि भाई टाइम से फ्री हो जाएं सब, मैनेजमेंट भी और प्लेयर्स भी। भाई अंकित, बेस्ट प्लेयर तो भाई हाल फिलहाल कई भाई हैं अपने, बड़े भाई जो बहुत ही अच्छा गेम खेलते हैं, गेम की नॉलेज है, अच्छे इंसान हैं। अपना भाई कमल जयपुर हो गए भाई साहब, और भाई अंकित भाई है पथरेड़ी से, निट्टा भाई चिराग दिल्ली से, नीरज भाई, जीता भाई साहब हैं, सभी हमारे लिए भाई सब बेस्ट हैं। उन्हीं को देख के कुछ ना कुछ हर किसी के गेम से कुछ ना कुछ सीखा जा रहा है अभी। प्रेम भाई, एक तो थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम, नई टीम तो टूर्नामेंट में तभी आएंगी जब थोड़ा सा मतलब बच्चों में क्रेज़ होगा गेम का। वो फिर ये है कि हमारे जो पुराने और सीनियर प्लेयर हैं वो नए बच्चों को बढ़ावा दें, धीरे धीरे टूर्नामेंट में लेके जाएं। और फिर जो मेरा ये मानना है कि जो मैनेजमेंट है टूर्नामेंट कराने वाली अपनी, वो नई टीम आने वाली को कुछ ना कुछ भाई प्रोत्साहित करें गेम के लिए, भाई एंट्री फ्री कर दी उस टीम के लिए, नई टीम के लिए, या फिर भाई अपना कोई चीज़ ऐसी मतलब कोई भाई बोल दे दी उनको जाते वक्त, भाई खेलो आप लोग पहली बार हमारे यहाँ आए हो। तो यही चीज़ है नई टीमों को जो बढ़ावा दे सकती हैं। भाई पंकु, अनिल भाई और हम 5-6 साल पहले से ही मतलब जब से टीम बाहर जाने लगी तभी से साथ में खेलने लगे थे। और अनिल भाई बढ़िया इंसान है भाई, बढ़िया गेम है, साथ रहते हैं, खेलते हैं, घूमते फिरते हैं साथ में सारे, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। भाई रोहित, नजफगढ़ एरिया में अपनी कैर की टीम है भाई, अच्छे खेलते हैं सारे, सभी बढ़िया बंदे हैं। थोड़ा सा बस ये है कि भाई कभी कभी नहीं जा पाते भाई, वो ही है, किसी को कुछ काम है, कोई नौकरी पेशे वाला बंदा है, नहीं जा पाते। कैर की टीम बहुत अच्छी खेलती है, पुराने खेलते हैं और गेम को बढ़ावा भी देते हैं। महेशपाल भाई गेम से रिलेटेड जो है बातें बताते हैं, अच्छी रूल रेगुलेशन को लागू करने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और भाई अपनी कांगन एडी टीम है, बड़ूसराय टीम है, जो रेगुलर बेसिस पे अभी खेल रहे हैं, अच्छी अच्छी कई टीम्स हैं अपने एरिया में। भाई जहीम, बेस्ट प्लेयर तो वो ही है, अंकित भाई ने पूछा था, सारे ही भाई हैं अपने, सारे जो अच्छे खेलते हैं सभी बढ़िया प्लेयर हैं और सब बेस्ट हैं हमारे लिए, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हेलो भाई विजय, क्या हाल चाल है? भाई अंकित, गेम तो देखो जब रूल रेगुलेशन फॉर्मेट एक होंगे तभी गेम का कुछ स्कोप है, आगे कुछ चांसेस हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आने के। अगर सब अपने अपने हिसाब से, अलग अलग रूल रेगुलेशन के हिसाब से या फॉर्मेट से चलेंगे तो उसमें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि भाई कुछ गेम का आगे हो सके, कुछ बढ़ावा मिल सके इसको गेम को। भाई जहीम, कमल भाई हैं, जीता भाई हैं, और अपना अंकित भाई हैं पथरेड़ी से, निट्टा भाई हैं। एक भाई, अगर किसी भाई को पता हो तो पुराने प्लेयर्स में एक अपना दिल्ली बकरवारा गांव से एक लीलू भाई साहब का बहुत नाम सुना है, अगर किसी भाई को उनके बारे में कुछ पता है तो एक बार ज़रूर बताने की कृपा करें भाई। हाँ शिव, बिल्कुल भाई, रावते की भी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है रावते की। बिल्कुल प्रेम भाई, सभी भाई कोशिश करेंगे तभी पॉसिबल है।
भाई आशु गेम में मन लगा के मेहनत करो ग्राउंड में, जितनी देर भी आप लोग या कोई भी अपना नए प्लेयर जा रहे हैं वो भाई गेम पे फोकस करो। और भाई सीनियर प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर बता सकते हैं भाई गेम कैसे क्या रहा है पहले, अभी क्या चल रहा है, अपना उनसे भाई बातचीत करो और गेम पे ध्यान दो। भाई पंकु करते हैं बात इस बारे में भी। राम राम पुनीत भाई, क्या हाल चाल है? राम राम भाई कुणाल। भाई विमल, अभी आपकी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, जो अपने एरिया की अच्छी अच्छी टीम्स हैं उनमें भाई बड़ूसराय है, कांगन एडी है, कैरगांव की टीम है जो अच्छे खेलते हैं और भाई टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, बढ़िया टीमें हैं सारी। भाई अंकित बलियाना की टीम फिलहाल ये है कि भाई मोस्टली कोशिश करते हैं, बलियाना की टीम आती है तो पंचायती सेट आता है एक तो उनका सबसे पहली चीज़, क्योंकि भाई पंचायती सेट में ये है कि रेगुलर अपने प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें पता है भाई किस प्लेयर का हमारे का क्या गेम है, एक दूसरे से थोड़ा सा पता रहता है भी कौन सा किस बॉल को कैसे कवर कर सकता है। और बहुत ही मतलब अच्छा गेम है, गगन भाई सेंटर है और भाई अपना जाथर भाई है अंडर हैंड पे, साइड में एक अपना भाई है धोड़ा, सीरज है, नेटर है, भाइयों का बहुत ही बढ़िया टीम है कुल मिला के और अच्छा गेम दिखाती है। हाँ भाई रोहित कोशिश कर रहे हैं भाई धीरे धीरे, अपने ग्राउंड की प्रैक्टिस और बाहर टूर्नामेंट से ही सीखने को मिल रहा है, हर प्लेयर का गेम देखा जाता है भाई, नई चीज़ देखने को सीखने को मिलती है, उसी से अपना गेम इम्प्रूव होता है। भाई मोटा भाई एक बहुत अच्छा इंसान है और गेम से जुड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, और अपना जयदीप भाई के साथ खेलता है, पंचायती टीम आती है जब भी साइड खेलता है, सेंटर भी बहुत अच्छा खेलता है, ड्रॉप के मैचेस में सेंटर खेल रहा है कई जगह, बहुत ही अच्छा गेम दिखाया है भाई ने, और हंसी मजाक पसंद करने वाला बंदा है, हंसता है औरों को भी हंसाता है, बढ़िया बंदा है भाई। भाई दुर्गेश, यमुनानगर टीम के बारे में मैंने सुना है बहुत, हालांकि मैं कभी देख नहीं पाया उस टीम को खेलते हुए, शायद हम जब तक टूर्नामेंट वगैरह में जाने नहीं लगे थे, लेकिन नन्हे भाई के बारे में काफ़ी सुना है भाई, बहुत ही अच्छे प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइम में और लाइन पे बॉल मारने का मतलब बहुत ही अच्छा तजुर्बा, अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है उनके पास, ये मैंने एक दो भाइयों से सुना है। हेलो भाई, अपने नीरज भाई भी आ गए, क्या हाल है नीरज भाई? और भाई वैसे यमुनानगर की टीम के बारे में दुर्गेश भाई, नीरज भाई बता सकते हैं बेटर, क्योंकि इन्होंने काफी मैचेस भी खेले हैं यमुनानगर की टीम के साथ। भाई अमित नजफगढ़ से ही बिलोंग करते हैं भाई, नजफगढ़ ही रहते हैं, वैसे अपना गांव रोहतक से आगे है लेकिन ये है कि नजफगढ़ रहते हैं, काफ़ी टाइम हुआ, कई साल हो गए नजफगढ़ में।
भाई अमित ग्राउंड में बहुत मेहनत करता है, खेलने का बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको लगाव है खेल से। टीम में अपनी टीम में न जब वो टीम में आया था अमित शायद 2-3 साल पहले, और अच्छा गेम दिखाता है, मन लगा के खेलता है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, मेहनत करने पे डिपेंड है आशु सारे सारा का सारा गेम अपना। नीरज भाई जीते भी तो आप ही हो, फिर बाद में रेगुलर प्रैक्टिस के बाद तो जीते तो आप ही हो फाइनली। सभी टीम्स ने अपने अपने टाइम पे अच्छा गेम दिखाया है। नीरज भाई अगर आपको पता हो तो एक बार अपना लीलू भाई साहब हैं बकरवारे से, जंप के मैच में टूर्नामेंट्स में खेलते थे, सुना है नाम उनका, तो उनके बारे में और बताना। बिल्कुल भाई जीता भाई, 6 प्लेयर्स में भी अपना अलग ही मज़ा है भाई, थोड़ा सा तेज़ गेम रहता है और मतलब ज़्यादा रिलैक्स के मूड में नहीं रह पाते प्लेयर। भाई उमेश कुमार नजफगढ़ की टीम में शायद सबसे मतलब पुराना खेलने वाला तो शायद मैं ही हूँ, और बाकी सोनू भाई है, सोनू भाई भी काफ़ी टाइम से गेम से जुड़ा हुआ है हमारा, जो पहले सेंटर खेलते थे हमारे में, और फिर अनिल भाई भी है। बिल्कुल भाई, नीरज भाई आपका नंबर ही है अब जल्दी। ठीक कह रहे हो नीरज भाई। भाई इन्फॉर्मेशन तो आपस में थोड़ी सी शेयर करनी ही है, जो मेरे को नहीं पता या और भाइयों को नहीं पता, तो वो तो पता लगाने का भी जरिया यही है फिलहाल। भाई कुणाल नजफगढ़ टीम 5-6 साल से खेल रही है, टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेट कर रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से अब, और प्लेयर टाइम के हिसाब से आए भी हैं, कुछ प्लेयर नहीं भी कंटिन्यू कर सके खेलना गेम से अपना भाई, किसी भी काम की वजह से या नौकरी की वजह से। भाई अंकित प्योर शूटिंग बहुत अच्छा गेम है वैसे तो, लेकिन ये है कि भाई प्योर शूटिंग एक तो अभी खेला कम जा रहा है मेरे हिसाब से। देखो मैं पक्का तो इस चीज़ को कहता नहीं, क्योंकि प्योर शूटिंग के टूर्नामेंट कम ही देख पाते हैं हम। एक इधर अपना गुड़गांव के पास गढ़ियर सरू गांव है, 14-15 अगस्त को हर साल वहाँ पे तो होते हैं प्योर शूटिंग के। भाई योगी भाई भी गेम के बारे में बहुत पैशनेट है,
मतलब फरीदाबाद साइड से अपना भाई अकेला आना है, और फिर भाई खेलते हैं, सभी टीम्स में खेले हैं योगी भाई, अच्छा गेम है। अंडर हैंड में भी, ड्रॉप में भी खेलते थे पहले, स्कोर अपने बढ़िया रह रहे हैं ये भी, और मतलब काफ़ी पैशनेट है गेम के बारे में योगी भाई। भाई उमेश, अंकित भाई भी शायद हो गए 5 6 साल अंकित भाई को भी खेलते हुए, क्योंकि 5 6 साल पहले अपना एक झज्जर के पास जहांगीरपुर टूर्नामेंट था, उसमें ही हमने भी पहली बार अंकित भाई को देखा था। हाँ नीरज भाई, जवाब दो, आपका भी इंटरव्यू साथ में चल रहा है। भाई भारत लॉकडाउन में गेम तो इतना नहीं चल रहा, वैसे सोच रहे हैं अभी शुरू करने की, देखते हैं, क्योंकि भाई कोरोना से ही बचना बहुत ज़रूरी है फिलहाल तो। भाई नीरज भाई प्रवीण सिरोहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश कर रहे हैं भाई गेम सुधारने का धीरे धीरे, बड़े भाइयों को देख के, उनसे सीख के। भाई अनिल, नीरज भाई बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, हंसी मजाक पसंद इंसान हैं, और भाई साइड कभी से खेलते आए हैं, ड्रॉप के टूर्नामेंट्स में भी बेस्ट साइड रहे हैं, और अब अंडर एंड के चल रहे हैं उनमें भी बेस्ट साइड है नीरज भाई, बहुत ही बढ़िया इंसान है। जीता भाई, बुंडू भाई अपना भाई, चिराग दिल्ली टीम है, सावदा टीम है, और सांपला टीम है, ये टीमें ड्रॉप के टूर्नामेंट्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती थी, और भुंडू भाई तो भाई टेक्निकल प्लेयर रहे हैं अपने टाइम के, अच्छे प्लेयर रहे हैं, गेम की काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी टेक्निक है, और ऐसे ही दानवीर भाई हैं, दानवीर भाई भाई सीनियर प्लेयर हैं, अंडर हैंड है, ड्रॉप है, और यहाँ तक कि मीडियम के भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं दानवीर भाई, गेम की पूरी नॉलेज है, और नए प्लेयर जो हैं उनसे काफ़ी कुछ गेम में मतलब सीख सकते हैं भाई। भाई उमेश, पंजाब में नेट की हाइट तो जीता भाई हमसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, हम तो एक बार ही गए हैं अभी तक खेलने, वैसे शायद अंदाज़ा के भाई 7 8 तक शायद नेट की हाइट रहती है वहाँ। भाई कपिल अपने बारे में तो क्या बताऊँ, सारे भाई जानते हो आप, कर रहे हैं कोशिश धीरे धीरे गेम सुधारने की, सारे भाइयों से अपने मिलते जुलते रहते हैं इसी बहाने, जैसे भी टाइम लगता है। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट था जीते भाई, नीचा जो अपना मतलब जो नेट की हाइट जो कम थी उसमें, एक तो गेम तेज चला, फिर 6 प्लेयर थे तो उसमें वैसे भी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और कुल मिला के बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट था, ठीक टाइम से निपट गया, टीमों के हिसाब से जितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया तरीके से टूर्नामेंट निपटा है, मैनेजमेंट और सारी चीज़ें मतलब अच्छी थी आपके टूर्नामेंट में,
मेन चीज़ यही है कि भाई टाइम से स्टार्ट हो जाए टूर्नामेंट और भाई टाइम से ख़त्म हो जाए, दूर से आने वाली टीमों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बिल्कुल भाई, नीरज भाई बहुत प्लेयरों के बेस्ट प्लेयर हैं साइड पे, अपना अलग गेम उनका, और भाई बढ़िया परफॉर्म करते ही हैं हर बार। जीते भाई वो भी, भाई को भी वो ये टूर्नामेंट्स में जाना शुरू किया, धीरे धीरे पता लगा एक दूसरे के बारे में। वो भी भाई को देखते टीम के साथ, चिराग दिल्ली के साथ ही आते थे वो भी भाई, तो शायद हो गए 7-8 साल, 7-8 साल हो गए, शायद ज़्यादा भी हो गए हों। गोविंद भाई, रवि भाई बहुत ही अच्छा इंसान है, अच्छा प्लेयर है, और रवि हमारे सेट में नजरगुड़ की टीम में 2-3 साल खेला है कंटिन्यू। उस टाइम ड्रॉप के टूर्नामेंट ही होते थे, अंडर एंड के नहीं होते थे उस टाइम, और सभी को पता है रवि भाई की जो हाथ में जितनी फोर्स है, काफी गजब की बॉल मारता है भाई। भाई अनिल नोनू का तो पता ही है तुमने, सभी ने पता है, अच्छा गेम दिखा रहा है लड़का, मेहनत करता है गेम में, पूरी टीम को वो ही खिलाता है बॉल के, और है भी यही चीज़, अगर नेटर कॉन्फिडेंस में है और बढ़िया तरीके से बॉल निकालता है तो भाई पूरी टीम कॉन्फिडेंस में ही चलती है। फिर गोविंद भाई तो भाई स्टार प्लेयर है अपना, भाई के हाथ में बहुत ही बढ़िया फोर्स है, गजब की बॉल मारता है, डिफेंस अच्छा है भाई का, और बहुत ही बढ़िया इंसान भी है। धन्यवाद उमेश भाई, आप सब की दया है, खेल रहे हैं, कर रहे हैं टाइम पास, धीरे धीरे भाइयों से मिल रहे हैं इसी बहाने। भाई बेस्ट डिफेंस तो नहीं कह सकते, देखो हाँ ठीक है ट्राई करते हैं, बाकी साइड पे तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, चकदे भाई है, नीरज भाई है, और भाई विकास भाई भी बहादुरगढ़ की टीम में साइड खेलता है, बहुत ही बढ़िया डिफेंस रहा है, और दूसरी साइड पे बहादुरगढ़ में अपना जेंगो भाई है ननौंड से, बहुत ही अच्छे प्लेयर रह रहे हैं साइडों पे। एक प्लेयर और भी रह चुके हैं सावदा टीम में, विजय भाई खेलते थे गड्डी गांव से, जब ड्रॉप के टूर्नामेंट होते थे, बहुत ही बढ़िया गेम है, उन्हीं से हमने धीरे धीरे गेम सीखा भी है भाई। बिल्कुल भाई अमित, गोविंद की बराबरी हमारे से तो देखो हो नहीं सकती, गोविंद बहुत बढ़िया गेम खेलता है भाई, उस जितनी फोर्स एक्टिवनेस, एक नंबर गेम है भाई का। जीता भाई कैथल में तो हाल फिलहाल देखो सबसे बढ़िया गेम मेरे को भाई का बाबा का ही लगा है, एक नंबर की फोर्स है भाई, बढ़िया बॉल मारते हैं, और भाई ज़्यादा खैर में कैथल की तरफ हमारी टीम जा नहीं पाई कभी खेलने, हाँ उधर से जब अपनी जींद की टीम आती है तो उसमें बाबा भाई बढ़िया बॉल मारते हैं, और भाई अपना बादल भाई साहब हैं, और भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, नेटर बहुत बढ़िया है उनका, और भाई करनाल में तो सभी को पता है राजेश भाई, विक्की भाई, और अपने भाई साइड पे मोनू है, नेटर है, पूरी टीम बढ़िया है। जींद में एक अपना संजय भाई हैं, एक सीटू भाई हैं, वो भी बहुत बढ़िया गेम खेलते हैं भाई। नरेश भाई साहब राम राम, क्या हाल चाल हैं।
बिल्कुल भाई, नरेश भाई साहब का देखो, मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा, गलती रहेगी मेरे भाई ने, ड्रॉप में भी और अंडर हैंड में भी, इन जैसी साइड है नहीं, ज़बरदस्त साइड है भाई साहब। और नरेश भाई सॉरी, आपका नाम बस निकला ही नहीं, गलती है मेरी। बहुत ही बढ़िया गेम, बहुत बढ़िया इंसान नरेश भाई। नरेश भाई अंकित चिराग दिल्ली के लिए अब भी मेहनत कर रहे हैं, चिराग दिल्ली में स्टार्टिंग से ही हमने भाई को देखा है, बहुत बढ़िया गेम, पट्टी का गेम रहा है भाई का। और अब जो चिराग दिल्ली का अपना नया सेट बना है, उसमें भी भाई अपनी जगह पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं पुरानी गेम की तरह। राम राम जयदीप भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, रिंकू आप बताओ कैसे हो? भाई गोविंद के बारे में, अच्छा प्लेयर है गोविंद भाई, अभी हमारी टीम से जुड़ा है कुछ टाइम पहले ही, बहुत बढ़िया गेम है, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, अच्छे इंसान हैं, एक नंबर है भाई गोविंद भाई। भाई सबसे यंग टीम, भाई सबसे यंग टीम आप कह सकते हो कि अपनी बालोट की है मेरे हिसाब से। जीता भाई सीनियर प्लेयर हैं, बाकी सारे जो अपने प्लेयर हैं नए प्लेयर हैं उसमें, और बहुत ही अच्छा गेम दिखाते हैं। अनिल भाई, दिनेश भाई अपने टाइम में अच्छे प्लेयर रह चुके हैं ड्रॉप में, जितना मैंने देखा है स्कोरिंग पे बहुत ही बढ़िया गेम था भाई का, और बढ़िया बंदे हैं, स्कोरिंग में भी बढ़िया गेम दिखाया है पहले, अब अंडर हैंड में भी, कैर टूर्नामेंट में टीम आई थी, अच्छे खेले हैं उसमें भी बहुत। बहादुरगढ़ से तो खैर अच्छे अच्छे प्लेयर काफ़ी हैं भाई, अंकित है, रवि है, दिनेश भाई है, और भाई नेटर भी, हर्ष रह चुका है, बढ़िया नेटर रहा है बीच में, हालांकि कम टाइम के लिए खेला है वो अभी, पर बढ़िया गेम दिखाया है। अरे भाई साहब, नरेश भाई क्यों मजाक कर रहे हो? आप जैसे जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उन्हें देख देख के तो हम सीख रहे हैं। बिल्कुल अंकित भाई, नरेश भाई मजे ले रहे हैं हमारे। हाँ उमेश भाई, कैर की टीम में भी नए प्लेयर हैं, सारे बढ़िया खेलते हैं भाई। भाई टिंकू बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, जहाँ भी जिस भी जगह ग्राउंड में उसको खड़ा करो, हर जगह अच्छा गेम दिखाता है। पहले जैसे कैर टीम में खेलता था, नेट पे उसका कोई मतलब बराबरी का प्लेयर नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि नेट बहुत ही ढीले ढाले, बहुत चौड़े बड़े नेट होते थे। और भाई फिर अपनी टीम से ऑफ नेट पे जुड़ा है, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया गेम दिखाया है, और अभी भी कंटिन्यू जैसे भी टाइम लगता है भाई कैर की टीम में या हमारी टीम में खेलता है, बहुत बढ़िया गेम दिखाता है भाई, टीम को मन लगा के खेलता है। और भाई वो भी भाई के सामने खेले हैं हमने मैच, और पथरेडी टीम में वो भी भाई खेले हैं कई मैचेस, चिराग दिल्ली में खेले हैं, हालांकि
उस टाइम तो हम बॉबी भाई की टीम से, चिराग दिल्ली का वो भैया पथरेड़ी, दोनों ही टीम अच्छी टीम है, उनसे हम कंपीट तो किया लेकिन जीत नहीं पाए थे, रिजल्ट में जीते हुए थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल पटौदी टूर्नामेंट में विकास भाई के यहाँ एक मैच हमारा हुआ था बॉबी भाई की टीम से, उसमें हमारी टीम जीती थी। बिल्कुल भाई बोलू, और भाई बोलू और आली भाई आप भी रेडी रहियो, अगला नंबर आपका है जल्दी अब लाइव पे। भाई अमित खतरनाक सेंटर, खतरनाक सेंटर तो भाई अंकित पथरेड़ी है अपना भाई, और भाई करनाल से राजेश भाई भी सेंटर में बढ़िया खेल रहे हैं, और भाई चिराग दिल्ली में अपने चकदे भाई खेल रहे हैं फिलहाल, और भी कई टीम हैं, हम भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, है सीख रहे हैं धीरे धीरे। भाई बेस्ट टूर्नामेंट तो देखो अलग अलग हिसाब है, बेस्ट टूर्नामेंट कैर में हर साल अच्छा टूर्नामेंट होता है, टीम्स भी अच्छी पार्टिसिपेट करती हैं, और भाई एक ज़रूर कहना चाहूँगा पटौदी में गोलू भाई, विकास भाई और अपना ऊंचा माजरा से सोनू भाई हैं, इनके टूर्नामेंट अच्छे टूर्नामेंट रहते हैं। और टूर्नामेंट स्टार्टिंग और ख़त्म होने के टाइम का अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया मेरे को भाई ऊंचा माजरा वाला सोनू भाई वाला टूर्नामेंट लगा, लाइट वगैरह सब अरेंजमेंट बढ़िया रहता है और टाइम से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो चार ग्राउंड रखते हैं और चारों पर लाइट रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा मतलब थकान नहीं होती प्लेयर्स को और बढ़िया मैचेस चलते हैं। बिल्कुल भाई कौरपाल सक्सेना, काला भाई बढ़िया बॉल मारता है, बढ़िया गेम खेलता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही अच्छे सेंटर हैं। हाँ बिल्कुल आनंद भाई साहब, मैं कई दिन से खैर अभी ये लॉकडाउन ही चल रहा है, बाकी टूर्नामेंट के बाद काफ़ी दिन से मिले नहीं है भाई से,
उम्मीद करते हैं भाई से मुलाकात हो। बिल्कुल भाई अंकित, निट्टू मास्टर कसरेटी गांव से भाई, बढ़िया सेंटर रह रहे हैं। हमने जितना गेम देखा है, अटैक पे उल्टा जोन का मतलब डिफेंस भी बहुत बढ़िया था, और भाई वापस जो पट्टी मारते थे कई बॉलों पे, आमने सामने हमारे मैच भी हुए हैं, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया भाई निजाम, अपनी बताओ आप कैसे हो। उमेश भाई बोल तो हमारे यहाँ, हम तो भाई मोस्टली अपना ये या तो बिट्टू की यूज़ करते हैं, बिट्टू की ठीक है बॉल, और अभी कुछ और भी नई बॉल आई हैं उनसे, खैर हमने गेम खेल ही नहीं पाए हैं अभी लॉकडाउन के कारण। बाकी सुनने में आया एक 380 नाम से बॉल आई, अच्छी बॉल है वो भी, और एक अपनी नहीं भाई कौरपाल, मंदन संधोला भाई के साथ नहीं खेलने का मौका मिला कभी। अनिल भाई नोनू के पापा पैशनेट प्लेयर रहे हैं भाई अपने टाइम के, अभी नोनू को भी प्रैक्टिस कराते हैं, रनिंग वगैरह पे भी जाता है लड़का, पढ़ाई में भी ध्यान कर रहा है, उसमें सभी चीज़ों में भाई फादर भी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ में, और अपने टाइम के जो है अच्छे प्लेयर रहे हैं 100 में, दो दो तीन तीन में, जो भी मतलब अपने एरिया में गेम जैसा चलता था उसमें अच्छे प्लेयर रहे हैं भाई। हिमांशु काला धुमसी भाई के हिसाब से एक्यूरेसी है, और प्लस वैसे ही अंकित में भाई फोर्स भी है, एक्यूरेसी टेक्निक दोनों ही जबरदस्त सेंटर है भाई। रमन भाई अगला प्लेयर लाइव आएगा इसके बारे में जीता भाई बताएंगे, और हो सकता है इस पे पेज पे डाल भी दिया जाए या फेसबुक पे किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन डाल के अपना नेक्स्ट जो भी प्लेयर है वो कौन आएंगे लाइव पे। हो गया है तो देखते हैं बस, एक बार नीरज भाई ने भाई मेरे वाले सवाल का जवाब नहीं दिया, नीरज भाई कहाँ गया। भाई निजाम सोनू जून बढ़िया नेटर है भाई, सेफ करने की गुंजाइश बहुत कम रखता है, चाहे वो पट्टी बॉल क्रॉस करने में है या भाई नेट में से बॉल निकालने में है, सेफ। ठीक है भाइयों, कोरोना से बचो भाई सारे, भाई सेफ रहो, घर पे रहो, ध्यान रखो अपना सभी, और देखते हैं कब तक चलता है, लॉकडाउन है कोरोना की वजह से चल रहा है, जो भी है मेन चीज़ है अपना भाई सेफ रहो सारे भाई, सारे छोटे बड़े भाई, हम सभी भाइयों को कल या परसों देखते हैं अब अपने कौन भाई आएंगे सीनियर प्लेयर, उनके विचार विमर्श आप लेंगे, नॉलेज कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी भाई समझने देखने के लिए सुनने, और उम्मीद करते हैं कोरोना जल्दी ख़त्म हो इसकी वजह से, और सारे भाइयों को किसी टूर्नामेंट के ज़रिए मिलने का मौका मिले दोबारा से।
भाई कंवर पाल के बारे में जीता भाई बता सकते हैं, हम उस साइड में आए कम है खेलने के लिए। बाकी गेम सुना है भाई, बढ़िया फोर्स की बॉल मारते हैं, जैसा कल परसों अभी जीते भाई। और ठीक है भाइयों, सारे भाइयों को जय राम जी की, मिलते हैं जैसे भी मौका मिलेगा किसी टूर्नामेंट में। तरुण भाई हाँ ये तो है तरुण भाई, अब ये मेन भाई जो प्लेयर खेल रहे हैं कंटिन्यू, जिनका गेम दिखता है उन्हीं के बारे में, किसी भाई ने भाई खेलता नहीं देखा किसी से सुना है तो उसके बाद जानने की रहती है इच्छा सभी की। और भाई तरुण पांचाल जबरदस्त बॉल मारता है भाई, लेफ्टी हमारा गोहाना से। भाई देखो ये तो काम पड़ेगा भाई, फॉर्मेट